नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं, तो हमारे साथ चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आज इस मौसम में धूप नहीं निकल रही है, बरसात का सर्दी का समय है, तो आज मैं एक ऐसे फ्लावर के बारे में बता जा रहा हूँ जो गुलाब की तरह दिखता है, गुलाब ही रोज़ लगता है। बहुत सारों को गलतफहमी होती है लोगों को कि गुलाब है ये, लेकिन ये एक सीजनल पौधा है और गुलाब की ही तरह दिखाई देता है। लेकिन गुलाब में जो नंबर ऑफ लेयर्स पेटल्स के होते हैं वो थोड़े होते हैं दोस्तों, और इसमें जो है वो सैकड़ों लेयर पेटल्स की होती है। गुलाब की तरह ही दिखाई देता है और उसका पौधा जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आप, ये देखिए ये पौधा है, आप पहचान लेंगे इस तरह से। अलग अलग वैरायटी के 7-8 कलर में आते हैं और वो फ्लावर है रेनुकुलस। रेनुकुलस बहुत ही खूबसूरत फूल होता है अपने आप में, ये देखिए कि गुलाब की तरह ही खिला हुआ है, इसके कई कलर हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, जिनके पास पौधे लगे हुए हैं और अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा हो, बड़े साइज़ के फ्लावर हों, तो उसके लिए मैं केयर टिप्स बताऊँगा आपको कि हम उसमें क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी हमें ध्यान देनी है और आने वाले टाइम में ये फूलों से भर जाएगा। दोस्तों देखिए कि ये हमारे कुछ जो बड़े टब्स हैं इसमें हमने 4-4 पौधे लगाए थे और आप ये देखेंगे तो क्या खूबसूरत फूल खिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए अलग अलग, ये डबल कलर में है, ये डार्क पिंक हो गया, ये देखिए एकदम वाइट कलर में। कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं और क्या टेकिंग केयर करनी है, आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जो लीव्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने जैसे कि 8 इंची गमलों में लगाया है और ये बड़े टब में। तो एक डिफरेंस और बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जो ये पौधे आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, ये पौधे जो सीड से सीडलिंग बना है उससे लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा, नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं आती हैं, फ्लावर इस तरह का आता है, साइज़ बड़ा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। और ये पौधा जो देख रहे हैं गमलों में, ये क्या है, इसके बल्ब से लगे हैं, इसके जो रूट होते हैं बल्ब होता है उससे लगा है, रेनुकुलस बल्ब से। तो आप एक एक गमलों में देख रहे हैं कि ये कितनी कितनी ग्रोथ ले रहा है। बल्ब में एक्चुअली क्या होता है कि जितनी टांगे होती हैं कई बार उसकी, उतने जो पौधे निकल आते हैं। ये देखें गौर से कि देखिए कितने पौधे, मतलब हम गिनती करने में भी मुश्किल हो जाएगी, इतने पौधे हैं। तो उसमें सभी में फ्लावर आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है हमें, ये जो पत्ते एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको, इसने पूरे गमले को ढक लिया, इसके रूट तक धूप नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी जैसे हम प्रोनिंग ट्रिमिंग करते हैं, इसको कोई ऊपर से कटिंग पिंचिंग नहीं करनी है। ये जो नीचे के लीव्स देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमने क्या करना है, या तो ऐसे हल्के हल्के से हम इसको तोड़ के नीचे से थोड़ा सा, ये जो नीचे की लीव्स हैं इसको खाली कर देंगे, ताकि क्या होगा कि इसके रूट तक जो है हवा जानी शुरू हो जाएगी और हवा और धूप जो है जाएगी, तो ये पौधा जो है हमारा बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, फ्लावरिंग पे आ जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो ये ले रहे हैं नीचे की लीव्स, इन लीव्स को हम इस तरह से निकाल देंगे बड़े आराम से, बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं निकालनी है। ध्यान से देखिए, नीचे की जो पुरानी लीव्स है हमने उनको ट्रिम कर दिया। अब ये देखेंगे तो ये पौधा देखिए बहुत अच्छा नीचे से क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें फर्टिलाइज़र देना है। जैसे मैं रूट फिलिंग बताता हूँ, जैसे अब फ्लावरिंग पे आने वाला प्लांट हो गया, मैच्योर प्लांट हो गया, तो इसको एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत मिलेगी, तभी हमारा साइज़ जो है फूलों का। अब इसमें देखिए जैसे कितने नंबर ऑफ लेयर्स पेटल्स के हैं, ये तो बरसात की वजह से ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा गल सा गया है फूल, नहीं तो आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल होगा अगर 3-4 दिन धूप होती है तो। मैं इसका रिव्यू भी दिखाऊँगा। तो अब ये देखिए इस तरह से कर दिया, इसी तरह से ये देखिए इस प्लांट में हम क्या करेंगे कि अब हमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र क्या देना है ये बड़ी बात है। आमतौर पे हम गोबर की खाद डाल देते हैं जिससे जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती, उसमें मिलता नहीं है। तो इसके लिए जैसे स्पेशल फूड लेना है, स्पेशल करना है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हम अच्छा फूड खिलाते हैं उसको, तो इसी तरह से इनको अच्छा फ्लावर लेना है, अच्छा आउटपुट लेना है तो हमें थोड़ा सा टेकिंग केयर करनी पड़ेगी। देखिए उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिनके पास जो अवेलेबल है वो कर सकते हैं। ये देखें कि हमारा जो होता है, हम 3-4 चीज़ें डालते हैं इनकी स्ट्रेंथ के लिए और नंबर ऑफ फ्लावरिंग होल्डिंग के लिए। कई लोग कहते हैं बर्ड्स आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर ये कैल्शियम फास्फोरस जिंक की रहेगी, कमी नहीं रहेगी पौधों में, तो आपका बहुत बढ़िया फ्लावर आएगा। दूसरा, फंगस की दिक्कत आती है पौधों में, ज़्यादा पानी पड़ता है जैसे बारिश हो रही है, तो नीम खली यूज़ कर सकते हैं।
या नीम खली नहीं है तो ट्राइकोडर्मा या साफ भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह। तीसरा जो बेस्ट रहता है वो हमारा लीफ कंपोस्ट है, जिसमें आप देखिए लीफ के रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं, बरसात की वजह से इतनी पिसाई नहीं हो पाई है इसकी, तो ये रेजिड्यू लीफ के हैं, बैक्टीरिया कल्चर में बना है। अगर ये नहीं है आपके पास तो बर्मी कंपोस्ट भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोन पाउडर नीम खली ये यूज़ करना है। एक हमने और चीज़ निकाली जो कि ये जैविक कार्बन है, इसमें एक साल में बना है और इसके अंदर कई जो मटेरियल ऐसे डाले गए और जीवाणु जो है बहुत घनी मात्रा में है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा हम इसके अंदर डालते हैं मिला के इन तीनों चीज़ चारों चीज़ों का, तो बहुत बढ़िया काम करता है, प्लांट की ग्रोथ देखने लायक हो जाती है और ज़्यादा नहीं हफ्ते के अंदर ही हो जाती है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब हर आदमी के लिए ये सब जुटाना पॉसिबल नहीं है, किसी ने दो चार पाँच गमले सौकिया लगाए हैं तो उनके लिए बहुत समस्या हो जाती है दोस्तों। तो उसके लिए क्या है, आप ये जो है ये देखिए फ्लावर पॉट, मतलब कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आपका जैसे आता है, इसमें हम सभी का नहीं कह सकते लेकिन पेटूनिया है, रेनुकुलस है, सिनेनेरिया है, इन सब में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट फूड जो फ्लावर के लिए चाहिए नेचुरल फॉर्म में है, जैविक फॉर्म में है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पे। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारा चैनल समीर सिंह गार्डन है ही है, तो उस पर देख सकते हैं आप। तो हमें इसको डालना कैसे, कैसे अप्लाई करना है, इसका तरीका देखिए, बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जीवाणु है, ये नहीं है कि ऐसे उठाया और ऐसे 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 छिड़क दिया तो उससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उस खाद का जो 100% रिजल्ट आपको लेना है, तो ये देखिए ये खुरपी पतली सी लेनी है, इसको आपको जड़ों को बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा खोदना है। देखिए जड़, देखिए ये देखिए प्लांट्स की ये जो रूट्स हैं ये डेवलप होनी शुरू हो गई हैं इसकी अभी तेज़ी से। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे लेंगे और इसमें डाल के ऐसे बंद कर देंगे इसी तरह। ये देखिए दूसरी तरफ से, मतलब ये 8 इंची गमला है तो कम से कम 3 जगह पे हम इसको खाद डालेंगे। देखिए रूट्स देखें इसकी कैसे रूट्स आ रही हैं बाहर, तो इन्हीं रूट्स को जो है इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरह हमने डाला और इसको बंद कर दिया, इससे क्या होगा कि जीवाणु जो है मिट्टी के अंदर सीप कर जाएगा और न्यूट्रिशन को एक्टिव कर देगा, जो कि प्लांट्स को लेने में ईजी हो जाए। जैसे गेहूँ को पीस करके आटा बनाती है चक्की, इसी तरह बैक्टीरिया जो है खाद को ब्रेक डाउन करके और उसको ऐसे सिंपल फॉर्म में कर देती है कि ये प्लांट जो है ईजिली इसको ले करके और ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें करके आप अपने घर में रेनुकुलस का खूबसूरत, जिन्होंने लगा रखा है फूल ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगाया है अभी भी किसी न किसी नर्सरी में आपको प्लांट मिल जाएगा, वहाँ से परचेज़ करिए और अपने घर में लगाइए, इस तरह का फूड डालिए। और आने वाले फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे होते हैं कि बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है, बसंत का समय होता है, मन तन प्रसन्न रह जाता है ऐसे माहौल में रहने से। और आपको एक नेचुरोपैथी कहते हैं, ये नेचुरोपैथी अपने घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजा जो है वो जंगलों में जाया करते थे 1 महीने की छुट्टी लेकर के और वहाँ बिताया करते थे, तो वो नेचुरोपैथी होती थी, नेचर के बीच में रह करके वो ट्रीटमेंट हो जाता था नेचुरल तरीके से। तो आप अपने घर में ये कर सकते हैं, अपने छत पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।